हेलो एवरीवन, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? बिफोर वी स्टार्ट द लेसन वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो टू चेक योर आईक्यू ऑन इक्वालिटी एंड डिग्निटी। कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम एक बार आपसे लेना चाहेंगे बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सो वी कैन नो योर वी कैन नो अबाउट योर आईक्यू लेवल, दैट हाउ कुड यू अंडरस्टैंड द इक्वालिटी एंड डिग्निटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। क्या आप अलग अलग तरह की इक्वालिटी समानताओं के बारे में लिख सकते हैं? यू फील आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जो आपको लगता है सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वेयर कैन वन अपील इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक व्यक्ति के अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा है, उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो संविधान में क्या उसे ऐसा प्रोविज़न उपलब्ध है जो वो कहाँ जाकर उस चीज़ के लिए अपील कर सकता है, शिकायत कर सकता है। कैन यू रिकॉल एनी इंसिडेंट इन योर लाइफ, क्या तुम्हें ऐसी कोई घटना अपने ज़िंदगी की याद है व्हेन योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड, जहाँ तुम्हें अपने सम्मान पे घात होता हुआ नज़र आया हो कि आपको लगा कि नहीं मेरे साथ में ये गलत हो रहा है। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, तुम्हें उस समय कैसा लगा? सो यू हैव टू बी आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, भारत जो है एक लोकतंत्र है। एज वी ऑल नो द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करती है, यानी बिना लोगों के सहयोग के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनती है। द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसके अंदर जो भी मतभेद होते हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाता है, सबको सम्मान लेके आया जाता है और न्याय सबके साथ किया जाता है। इक्वालिटी इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, समानता जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या हम कहें कि आधारभूत तत्व होता है। एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और ये देखता है कि इसके सभी जो फंक्शंस, इसके जो एस्पेक्ट्स हैं कि इसके सभी तत्वों पर काम होना चाहिए, कि सभी चीज़ें ढंग से काम करें। इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। वॉट इट इज़, कि एक्चुअली इक्वालिटी क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है, एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया, और भारत में क्यों सभी लोग जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी टॉक अबाउट राइट टू वोट, वोट डालने का जो अधिकार है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया, अगर हम एक लोकतंत्र देश की बात करते हैं जैसे कि भारत, ऑल एडल्ट, जितने भी यहाँ पे एडल्ट लोग हैं, एडल्ट को हम अबाउट 18 ईयर्स मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, देयर कास्ट एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटस आर अलाउड टू वोट। उनको हम ये मानते हैं कि जितने भी 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोग होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसे हम यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, यानी इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, भेदभाव, अमीर गरीब कोई भी हो, सबको वोट करने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो आइडिया है इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ये समानता के अधिकार के जो आइडिया है, विचार है, उसके ऊपर हम बेस्ड मानते हैं इसको। एंड बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी राज्य का जो एक एडल्ट व्यक्ति होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज़, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी तरह की उसकी वेल्थ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ही शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, उसे वोट डालने का अधिकार है। बट इन रियलिटी इक्वालिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन अगर वास्तविकता में हम देखें तो इक्वालिटी जो है उसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माना जाता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह की जो इक्वालिटी है वो पाई जाती है। देयर आर मेनी पीपल, यहाँ पे बहुत से लोग हैं
who live in India, जो भारत में रहते हैं, and who have the right to vote, जिनको वोट डालने का अधिकार है, but whose daily living and working condition significantly different from each other, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की जो काम करने की जो स्थितियाँ हैं, या हम कहें जो significantly एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, apart from being poor, कुछ लोग गरीब हैं, people in India experience inequality in different other ways, भारत के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग जो असमानता है उसका अनुभव अलग अलग तरीके से करते हैं. The following two stories given below will help us to understand this more clearly. नीचे यहाँ पे दो stories ऐसी दी गई हैं जो हमें इस असमानता को और आसानी से clear करेंगी. These are real stories, ये सच्ची कहानियाँ हैं, and both tell us about the different kinds of inequalities that exist in India. और ये भारत में विद्यमान असमानता का जो difference है यहाँ पे, जो भेदभाव है, उसके बारे में हमें बताते हैं. The caste system is one of the more common form in inequality found in India. भारत में जो सबसे पहले प्रकार की असमानता पाई जाती है वो है कास्ट सिस्टम की. कास्ट सिस्टम, जाति भेद जो है इन रूरल इंडिया, अगर ग्रामीण भारत की हम बात करें तो कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट, कास्ट जो है वो एक ऐसी आइडेंटिटी मानी जाती है. People probably learned or experienced very young. Something that people probably experienced very young. However, in urban India, some think that people no longer believe in caste. आज हम ये मानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग जाति में और इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते. लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है? नो, एक्चुअली में ऐसा नहीं है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी दी गई है जो मैं आपको बताती हूँ. द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. पहली कहानी जो है एक ऐसे दलित बच्चे की है जो कि स्कूल में जाता है. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस दैम सेल्व्स, कि दलित एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो हम नीची जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं. दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटना, टूटा हुआ. एंड बाय द यूज दिस वर्ड, और इस शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, तो इससे ये पता चलता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें हम किस तरह का मानते हैं. डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, और किस तरह से हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ प्रोमिनेंट दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक दलित राइटर हैं, लेखक हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी जुथान ही राइट्स, उन्होंने अपनी जो खुद की आत्मकथा लिखी जुथान, उसमें उन्होंने लिखा, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मुझे क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कई बार तो फर्श पे भी बिठाया जाता था. द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग एंड आई स्पॉट आई सेट ऑन इट, मेरी पहुंच से जो मैट है उसको काफ़ी दूर रखा जाता था और मैं उस पर नहीं बैठा था. सम टाइम, कई बार आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, कई बार तो मुझे दरवाजे के पास बिठाया जाता था जहाँ पे मैं किसी के साथ में टच ना हो सकूँ. सम टाइम दे वुड बीट मी, कई बार वो लोग मुझे मारते थे विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के. व्हेन ओम प्रकाश वॉज इन क्लास फोर्थ, जब ओम प्रकाश चौथी क्लास में था, द हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू स्वीप द स्कूल, उनके हेडमास्टर ने उसे स्कूल साफ करने के लिए कहा, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड भी साफ करने के लिए कहा. ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड इज वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल साइज कुड हैंडल एंड इन द क्लीनिंग इट, यानी मैं उस प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए काफ़ी छोटा था. माई बैक बिगेन टू एक, और जब मैंने वहाँ पे क्लीनिंग की तो मेरे पीठ में दर्द होने लग गया. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरे पूरे चेहरे पर डस्ट हो गई. Dust had gone inside my mouth, मेरे मुँह में भी मिट्टी चली गई. And the other children in my class were studying, मेरी क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे. And I was sweeping, और मैं सफाई कर रहा था. The headmaster was sitting in his room and watching me, headmaster जो है अपने रूम में बैठे हुए थे और वो मुझे लगातार वॉच कर रहे थे. I was not even allowed to get a drink of water, मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी. I swept the whole day, मैंने पूरे दिन सफाई की. From the doors and the windows of the school rooms, स्कूल के दरवाजे खिड़कियाँ सब मुझे साफ़ करने पड़े. द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ द स्पेक्टिकल, सब लोग मुझे देख रहे थे. ओम प्रकाश वॉज ऑर्डर्ड टू स्वीप द स्कूल, क्योंकि ओम प्रकाश को
स्कूल साफ़ करने का ऑर्डर मिला था एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे, और अगले दिन के लिए मुझे प्लेग्राउंड साफ़ करने का आदेश मिला था. एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु को इंसिडेंटली पास बाय वन डे, और ये सब चीज़ें उसके फादर ने देखी जो एक दिन बाय चांस उसके स्कूल के करीब से निकले. सो हिज सन, उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ द स्कूल, की स्कूल का फर्श साफ कर रहा है. ही केम अक्रॉस द टीचर्स, वो टीचर्स के पास गए एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और फिर उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और स्कूल से ले आए. ही सैड, उन्होंने कहा इन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर ऑल दैम टू हियर, इतनी ज़ोर से कहा ताकि सब सुन सके, यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो. सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मास्टर बनेगा. ही विल स्टडी राइट हेयर, और वो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में. एंड नॉट जस्ट हिम बट देर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और वो जल्दी ही वापस आएगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. सो वी हैव टू बी लर्न कि किस तरह के स्टोरीज जो हैं, आज भी ये घटना हमें बहुत पुरानी बताते हैं, लेकिन आज भी अगर हम अपने समाज में देखें तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि हम लोग अपने समाज में फॉलो करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.